जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार गुडविल एडुकेयर में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कर रहे थे बाबू रीजनिंग, और हम लोग आज लेके चलेंगे अल्फाबेट, अल्फाबेटिकल सीरीज। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, ये भी जो है चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो अल्फ़ाबेट बेसिकली आप लोग को पता होगा, अल्फ़ाबेट मतलब ए बी सी डी, जहाँ ए से लेकर जेड तक होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो इसी में लेटर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ देता है कि ये लेटर यहाँ पर है, फिफ्थ लेटर क्या होता है, सिक्स लेटर क्या होता है। तो लेटर पे ही बेस्ट क्वेश्चन पूछ देता है, लेटर अरेंजमेंट से पूछ देता है, लेटर इधर उधर करके पूछ देता है कि लेटर कौन से फर्स्ट पाएगा, कौन से सेकंड पाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन चलते हैं अल्फ़ाबेट में। तो अल्फ़ाबेटिकल में हम लोग पहले बेसिक चीज़ें करेंगे, इसके बाद सुंदर सुंदर बिल्कुल क्वेश्चन हैं यहाँ पर, टोटल क्वेश्चन भी किए जाएंगे। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो शुरू करते हैं युद्ध की आगाज, डरना नहीं, हारना नहीं है, कदम पीछे नहीं हटाना है, जो जा रहा है जाने दो, जो आ रहा है आने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बेहतर के तलाश में नहीं रहना चाहिए हमेशा बाबू। जो आपके पास है उसे ही बेहतर बनाओ, वही अच्छा रहेगा। और चलो शुरुआत करते हैं, क्या है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट सीरीज। तो अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, कैसे इसको, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वो सब चीज़ें समझ लेते हैं। अल्फ़ाबेट नंबर क्या होते हैं, ठीक। तो बाबू आपको पता है अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, देखते हैं। अल्फ़ाबेट्स ये होते हैं आपके बाबू, बेसिकली चीज़ें ये होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ देगा कि अल्फाबेट क्या होता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछता है बाबू। क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन से नंबर कहाँ पे आएगा, और वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट करके पूछता है। ऐसा नहीं कि बोल दिए ए कौन सा स्थान पाएगा, बी कौन सा स्थान पाएगा, सी कौन सा स्थान पाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। हालांकि सब सीखेंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो बाबू ये है आपका नंबरिंग, जब कर लेते हैं हम लोग, अगर नंबरिंग करते हैं यहाँ पर, तो 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 26 ये होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं हमारे। तो अल्फाबेट 26 होते हैं तो ठीक है, सब जानते हैं, बेसिक चीजें हैं ये। लेकिन इस अल्फ़ाबेट में आपको ओरली याद होना चाहिए कि कौन से पोजीशन पर 15 नंबर का लेटर्स कौन होता है, 16 का लेटर क्या होता है, 17 लेटर क्या होता है। तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको कि कौन सा लेटर कहाँ पे होता है। तो बाबू ये जो होता है अल्फ़ाबेट में, देखो लेफ्ट और राइट पहले समझते हैं, लेफ्ट और राइट होता क्या है, लेफ्ट और राइट क्या होता है। तो बाबू हमने बताया है कि ये हमेशा क्या लिखते हो, ये हमेशा आप पढ़े हो गए तो हमने बताया था ये होता हमेशा लेफ्ट, ये हम होता है लेफ्ट, हमने ऑर्डर और रैंकिंग में पढ़ाया था, ये होता है लेफ्ट, और ये इधर से होता है बाबू राइट, ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट, और ये होता है वो होता है राइट। तो अगर बाबू ये बोल दे, अगर ये बोले कि लेटर लेफ्ट से टू लेटर कौन सा है, फर्स्ट लेटर कौन सा है, तो लेफ्ट से आप देखोगे दूसरे लेटर पर बी है। राइट से बोले कि दूसरा लेटर क्या है, तो राइट से देखोगे 1, 2 वाई है। इस तरह से क्वेश्चन चलेंगे, ठीक। ये लेटर कौन सा है, तो पहले इसको देखते हैं कि कैसे याद करेंगे इसको। बेसिकली चीज है कि कैसे याद किया जाएगा। तो कैसे याद करेंगे हम लोग, थोड़ा सा तबीयत डाउन है बाबू आज, देखते हैं। आइए, लेफ्ट टू राइट याद, हमेशा लेफ्ट टू राइट याद करिएगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट याद करिएगा। देखिए क्या है लेफ्ट टू राइट,
आप ये देखो, आप पहले ये चीजें एक कॉन्सेप्ट समझो कि बाबू जो फर्स्ट लेटर है, ये जो फर्स्ट लेटर है वन, और जो लास्ट लेटर है ये जेड जेड, इसका सम क्या हो रहा है? सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट क्या हो रहा है देख ला यहां पर, सम ऑफ फर्स्ट वन और प्लस लास्ट का लेटर कौन सा है बाबू? 26। तो ये कितना आ गया? 27। याद रखिएगा ये होता है कहीं से भी किसी का भी फर्स्ट और लास्ट का सम होता है 27। यहां पर देखिए बी का 20, बी का 2, बी का होगा 2, बी का अगर 2 हो गया बाबू तो ये बताओ यहां से सेकेंड लेटर का 25, तो बात 25 और 22 कितना 27 हुआ कि नहीं हुआ बताइए। सी यहां से लेंगे तो सी यहां से लेंगे तो क्या यहां पर 27 हुआ कि नहीं हुआ? यानी फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर, ये फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर का सम हमेशा 27 होता है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछ देता है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपको यहां पर दे देगा ए जेड बी वाई हो, अगर ए जेड बी वाई हो तो आपका बोल देगा सी एक्स, तो यहां पर कौन सा अक्षर आएगा? तो बाबू ये देखो फर्स्ट और लास्ट को ले रहा है, यहां फर्स्ट और लास्ट का, यानी यहां पर क्या देखोगे? ये देखोगे 27 का पेयर दिखा रहा है, यहां पे 27 का पेयर दिखा रहा है, तो यहां भी 27 का पेयर ले लेंगे, कौन सा? ए बी सी डी के साथ जो रहेगा वो। आया समझ में कि नहीं आया? और ये चीज है क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट का सम क्या होता है? 27 होता है, यानी लास्ट फर्स्ट और लास्ट का सम हमेशा 27 होता है। ये याद रखिएगा आएगा, ये अगर याद हो जाएगा तो इसको लगाने में बहुत आसानी होगी, तरीका अगर याद हो जाएगा तो। ठीक, आइए देखते हैं, आओ याद करते हैं बाबू कैसे लेटर होता है, कैसे याद किया जाता है। लेफ्ट टू राइट याद करा देते हैं आपको, ठीक, लेफ्ट टू राइट याद कराते हैं। देखिए लेफ्ट टू राइट याद करा देते हैं आपको, याद रखिएगा एक ई जो टी, ए ज्योति नहीं ई जो टी, ई जे ओ टी वाई, ई ज्योति याद रखिएगा, ए ज्योति, ठीक, ई ज्योति याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए ई पांच है, पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस, ये जो बाबू सीक्वेंस है वो लेफ्ट टू राइट है, याद रखिए ये लेफ्ट टू राइट है, याद रखिएगा ये जो सीक्वेंस है क्या है? लेफ्ट टू राइट है। तो बाबू ये बताओ अगर ई की बात करें तो ई कौन से लेटर का हो गया? पांचवे लेटर का हो गया। ई कौन सा लेटर हो गया? पांचवा लेटर हो गया। जे कौन सा हो गया? जे हमारा 10 हो गया। ओ क्या हो गया? ओ हमारा 15 हो गया। टी क्या हो गया? टी हमारा 20, टी 20, टी 20 हो गया। वाई क्या हो गया? वाई 25 हो गया। देखिए ये है ना, ये याद कर लिए तो लेफ्ट टू राइट आसानी से याद करोगे। मैं बोल दूं कि लेफ्ट टू राइट, राइट लेफ्ट से 16 नंबर का क्या है, 16 अक्षर क्या होता है? तो आप जानते हो 15 पर ओ होता है, ई जे ओ ओ ओ के बाद पी, 16 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? अगर बोल दे बाबू क्वेश्चन में बोल दे कि लेफ्ट से, ये तो याद नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, वो इतना समय नहीं रहेगा। ई जो टी याद है, लेफ्ट से वी, वी कौन सा अक्षर पाएगा? वी कौन सा अक्षर पाता है भाई? तो आप जानते हो टी यू वी कितना होता है? बी 25 हो जाएगा, बी 22 हो जाएगा, ये चीज 25 टू ये हो जाएगा वाई। आया समझ में कि नहीं आया? ये चीज है लेफ्ट टू राइट याद करने का तरीका है, ई जे ओ टी वाई, ई जो टी। ठीक, यहां तक चीज समझ में आया? ठीक ठीक है बाबू, अब ये लेफ्ट टू राइट याद हो गया। अब यहां पर से मान लो आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि लेफ्ट से ये अक्षर है, तो आप तो आसानी से बता दोगे क्योंकि आपके पास ये जोटी है। लेकिन मैं पूछ दूं राइट से,
राइट से 22 लेटर क्या होगा, याद रखिए राइट से 22 लेटर क्या होगा, मतलब इधर से तो आपको याद नहीं है ना भाई, इधर से तो आपको याद नहीं है ना राइट से, यानी इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह करके करोगे भूल जाओगे, समय लग गया, भूलोगे भी नहीं तो भी समय लग जाएगा। लेकिन आसान तरीका, आप ये जानते हो बाबू लेफ्ट टू राइट का सम कितना होता है, 27 होता है। तो जो लेटर का राइट से 22 स्थान रहेगा उसी लेटर का लेफ्ट से क्या रहेगा, 5 रहेगा। लेफ्ट से कितना रख दोगे आप कि इसका सम कितना हो जाए, 7 हो जाए, 27 हो जाए। आप जानते हो ना हमने बताया था फर्स्ट और लास्ट का सम हमेशा 27 होता है कि नहीं होता है, तो जो इधर से बढ़ता हुआ जाएगा। तो बताइए जिस लेटर का राइट से स्थान, ये राइट से स्थान 22 होगा, उसी लेटर का स्थान जो पोजिशन होगा वो लेफ्ट से 5 होगा। तो लेफ्ट से 5 कौन सा हो रहा है आप जानते हो, ये करके देख लो, गिन के देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 आया कि नहीं आया, बस याद रखिएगा, सम कर दीजिएगा। मैं बोल दूं कि राइट से, अगर क्वेश्चन बोल दे बाबू राइट से 16 लेटर लिखानी है, तो राइट से थोड़ी ना याद है आपको, राइट से थोड़ी याद है, इसको 27 बना दो। तो आप जानते हो राइट से जो 60 लेटर होगा वही लेफ्ट से कौन सा होगा, इसमें क्या ऐड कर देंगे 27, एक और एक, ठीक 11 लेटर। तो आप जानते हो 11वां लेटर क्या होता है, जे के बाद क्या होता है, के होता है। ये चीजें आया समझ की नहीं आए आसानी से, ये आया समझ में, लेफ्ट से दे तो आसानी से याद कर लोगे, लेकिन राइट से दे तो आप 27 माइनस करके, आप ये याद रखिएगा कि जो लेटर का बोल दिया क्वेश्चन में राइट से आप लिखानी है 17वां लेटर, राइट से 17वां लेटर क्या होगा, ठीक। तो राइट से 17वां वही होगा जो लेफ्ट से क्या होगा, लेफ्ट से कितना ऐड कर दोगे तो इसमें ये हो जाएगा 10। तो लेफ्ट से राइट से 17वां वही होगा जो लेफ्ट से 10वां होगा। आया समय में कि ना आया, हाँ भाई बोलिए, ये चीजें समझ में आया, मुझे लगता है कि आ रहा होगा, उम्मीदें हैं कि आ रही होगी समझ में आप लोग को, ठीक। आइए फिर देखते हैं, अब ये तो बाबू बेसिक चीजें हो गया, ये तो बेसिक चीजें हो गया। आप लोगों ने क्या सीखा, अल्फाबेट को कैसे याद किया जाता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कैसे लिखाना जाता है, और इसमें क्या होता है बाबू, अगर मान लो यहां पर दे दे क्वेश्चन में इस तरह दे देता है, ये चीजें हो गया। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक। अब यहां पर क्या करेंगे, हटा लेते हैं, फटाफट चीजों को समझते हैं। देखिए इसमें क्या क्या पूछता है, लेटर अरेंज भी पूछ देता है कि जैसे लेटर दे देगा फर्स्ट में ये दे देगा, ये स्टार दे देगा, सेकंड में ये दे देगा, इस तरह देगा, थर्ड में ये दे देगा, टोटल ऐसे ही चालू होगा, मतलब जो चालू करेगा वो ऐसे ही चालू करेगा। ये अकड़ा देगा, अरेंज में सजाइए, अरेंज में सजाइए मतलब कौन सा अरेंज में आएगा। तो पहले ये देखोगे एस होता है, एस दिया तो सब में एस कॉमन है, एस के बाद क्या होता है, आई होता है कि ए होता है, पहले क्या आएगा लेटर में क्या होगा, एस के बाद मत देखना, लेटर हिसाब से देखना। तो लेटर में आई होगा, टी होगा कि ए होगा, तो फिर ये होगा, इस तरह से किया जाता है, ठीक। तो लेटर को अरेंज करना मैं सिखाऊंगा, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है लेटर अरेंज का भी। तो पहले इस पर लेफ्ट और ये अल्फाबेट पर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्या होता है, पहले ये तो याद हो गया आपको। मैं बोल दूं कि लेफ्ट से राइट से 18 लिखानो, राइट से 18 लिखानो, तो राइट से लेटर 18 वही होगा जो लेफ्ट से क्या होगा, इसमें क्या ऐड कर दोगे कि 27 आ जाए, तो 9 ऐड कर देंगे 27,
यानी जो लेटर राइट से 18वां होगा वो लेटर लेफ्ट से 9वां होगा, और 9 पर क्या होता है आपका आई, क्या होता है आई, याद रखिएगा ये चीजें आप लोग को समझ में आए कि नहीं। एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बाबू, देखिए नोट करके लिख लीजिएगा, यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा। अगर लेफ्ट लेफ्ट रहे, अगर लेफ्ट लेफ्ट रहे करवा दिया जाएगा, क्या होता है लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है राइट राइट, ठीक है। अगर लेफ्ट लेफ्ट रहे तो माइनस कर देते हैं, अगर राइट राइट रहे तो बाबू माइनस कर देते हैं, अगर एक मिनट, अगर लेफ्ट और राइट रहे तो प्लस कर देते हैं, अगर राइट और राइट रहे बाबू तो माइनस कर देते हैं, और राइट लेफ्ट रहे तो बाबू प्लस कर देते हैं। यानी अगर सेम रहेगा तो अपोजिट, सेम रहेगा तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, अपोजिट रहेगा तो प्लस कर देंगे। आप मैग्नेट पढ़े होंगे, मैग्नेट का ही रूल लगा दोगे, ठीक है। ये चीज आया समझ में, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो माइनस कर देंगे, लेफ्ट राइट रहेगा तो प्लस कर देंगे, राइट राइट रहेगा तो ये कर देंगे, ठीक है। चीजें आया समझ में, नहीं आया बाबू इसमें जो होता है, और इसमें एक और चीज समझ लेते हैं, जो इसमें फर्स्ट हाफ पूछता है, फर्स्ट हाफ का मतलब फर्स्ट हाफ क्या हो जाएगा, यानी आधा आधा, फर्स्ट हाफ का मतलब आधा आधा, तो आधा फर्स्ट हाफ क्या होगा, ये हो जाएगा आपका यहां से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इधर और 13 इधर, ये फर्स्ट हाफ हाफ होता है ये, यानी M से इधर फर्स्ट हाफ बोलते हैं, याद रखिएगा इसका यूज होगा, और M से इधर राइट साइड में सेकेंड हाफ बोलते हैं, हाफ ये होता है फर्स्ट हाफ, ठीक, ये होता है फर्स्ट हाफ, ये होता है सेकेंड हाफ, याद रखिए। सेकेंड हाफ में क्या हो जाएगा, फर्स्ट हाफ में होता है ए से लेकर के एम तक, सेकेंड हाफ में होता है एन से लेकर डब्लू तक, ठीक। अगर बोल देगा कि फर्स्ट टोटल क्या करेगा, टोटल लेटर को रिवर्स करेगा, फर्स्ट और सेकेंड ना बोलकर का है, टोटल रिवर्स लेटर को रिवर्स लिख दिया जाता है, टोटल लेटर रिवर्स का मतलब बाबू जेड वाई इस तरह करके, ये पहला पर ये दूसरा पर इस तरह करते हुए लिख देगा, तो होता है टोटल लेटर रिवर्स, कह देगा फर्स्ट लेटर क्या रखें रिवर्स लिख दें, तो फर्स्ट लेटर रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ रिवर्स, तो बाबू इसको यहां से लिखेगा, एम पहले लिख देगा, फिर एल लिखेगा, फिर के लिखेगा, इस तरह से फर्स्ट हाफ रिवर्स लिखता है, इस तरह से क्वेश्चन चलता है। जैसे आपको आइए सीधा ये चलते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो माइनस करेंगे, लेफ्ट राइट रहेगा तो प्लस करेंगे, राइट राइट रहेगा तो प्लस करेंगे, राइट और लेफ्ट रहेगा तो ये करेंगे। जैसे क्वेश्चन बोल दे, इसमें क्वेश्चन बोल दे, फाइंड, ये फाइंड लेफ्ट से 15 टू राइट से 20 लेटर, यानी वो लेटर फाइंड करो जो लेफ्ट से ये 15 हो, राइट से 12 लेटर हो, 12 लेटर हो, तो वो लेटर क्या होगा, फाइंड 50, एक मिनट यहां से क्वेश्चन ले लेते हैं बाबू, यह क्वेश्चन है इस तरह से समझ लेते हैं, यहां पे ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, अभी क्या किए थे, चलिए फर्स्ट पहले यहां से कंसेप्ट समझ लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग टोटल समझा देंगे चीजें को, यहां से फर्स्ट थोड़ा सा इंटरमीडियम वाले एडजस्ट कर लेंगे भाई। इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर विल बी द 18th टू द लेफ्ट ऑफ 10 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ये चीज है, देखो ये ही कॉन्सेप्ट समझना है, एक चीज सिखा दूंगा अपने आप धड़ाधड़ धड़ाधड़ बनाते हुए चले जाओगे। बताइए भाई, लगे रहो एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक,
बताइए, आइए देखते हैं बाबू। ये बता, ये देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, तो आप जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे, ये लुक पॉइंट है। व्हाट इज लुक पॉइंट? दिस इज लुक पॉइंट। ये क्या है लुक पॉइंट? कहां से पूछ रहा है? लेफ्ट से। कहां से पूछ रहा है? लेफ्ट से। याद रखिएगा, लेफ्ट पूछ रहा है। तो ये देखिए, याद रखिएगा कि लेफ्ट से ही फाइंड करना है हमें, लेफ्ट से ही फाइंड करना है हमें। तो आप ये जानते हो बाबू कि क्या, ये जानते हो कि हमने बताया था अगर लेफ्ट लेफ्ट रहेगा सर तो माइनस कर देते हैं, लेफ्ट राइट रहता है सर तो प्लस कर देते हैं, राइट राइट रहता है तो माइनस कर देते हैं सर, और राइट लेफ्ट रहता है तो प्लस कर देते हैं सर। ये आपने बताया था, ये आपने बताया था। ये बताइए लेटर कौन सा? 18 है कहां से? लेफ्ट से। 18 कहां है? लेफ्ट से। तो ये बताइए, लेफ्ट से 18 दिया है और लेफ्ट से ये लेफ्ट से इसको 10 लेंगे। तो ये बताइए बाबू, लास्ट में जो रहता है उसी लेटर को यहां लिख लेते हैं, यहां लास्ट में जो लेटर रहता है उसी को लिख लेते हैं। अब ये बताइए, लास्ट जो पूछेगा वही लेटर को लिखेंगे यहां पे, ठीक? आपने बताया लेफ्ट से 8 था सर, यहां पर लेफ्ट से इसी का पोजीशन ये ले लेते हैं 10। तो लेफ्ट लेफ्ट आपने क्या बताया था सर? माइनस। लेफ्ट लेफ्ट माइनस, और लेफ्ट लेफ्ट माइनस कर देंगे बाबू तो 8 में से 2 माइनस करेंगे, ये नहीं, ये डिफरेंस लेना है, ठीक? तो 2 करेंगे तो लेटर 2 आएगा। तो ये 2 कौन सा पोजीशन हुआ है? लास्ट वाला जो ये पूछेगा यहां लिखेंगे, यही 2 आता है। अगर यहाँ राइट लास्ट में होगा तो यहाँ राइट लिख देंगे, अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट लिखेंगे। अब आप ये बताओ बाबू, लेफ्ट से दूसरा अक्षर क्या होता है? लेफ्ट से दूसरा अक्षर क्या होता है? ए बी। ये चीज आया समय में कि नहीं आया? ये चीज आया समय में कि नहीं आया? फोकस इस पे करना है, ये ठीक है। हिंदी मीडियम में इसको, चलिए ठीक है, देखा जाएगा। आया समझ में? किया जाएगा, उस पर भी फोकस किया जाएगा। पहले आप लोग ये क्वेश्चन करिए, सेकेंड क्वेश्चन है प्यारा सा। चलिए आंसर बताइए, दिल गार्डन गार्डन हो गया। हर मुस्कुराता वो चेहरा हमेशा खुश नहीं रहता है दोस्त, उसके पीछे की गम समझने की कोशिश करो। फिलहाल मैं ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, ठीक है? क्या है आंसर बाबू? ये लेटर दिया है, आपने बताया सर ये 7 है, कहां से? राइट से। तो आपने राइट से लिख दिया 7, आपने राइट से लिख दिया, आपने राइट से लिख दिया 7, 7 ही है ना, 7। और ये लेफ्ट से कितना दे दिया है? 15। तो बताओ जो यहां पर लेटर आएगा वो लेफ्ट आएगा कि नहीं आएगा? भाई हमने बताया जो लास्ट वाला रहता है उसी को लेते हैं। तो आप बताओ हमने क्या बताया था? हमने बताया था बाबू आपको कि लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो माइनस, लेफ्ट राइट रहेगा तो प्लस, राइट राइट रहेगा तो माइनस, और राइट लेफ्ट रहेगा तो प्लस। ये बताया था हमने। तो बताइए राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट रहता है तो प्लस कर देते हैं, सीधा बात समझो कि अपोजिट जब रहेगा तब क्या कर देंगे आप लोग बाबू? प्लस कर देंगे। तो जब प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर? 7, 5, 12, 22, 22। और 22 लेटर कहां से? वी ए एल। और लेफ्ट से 22 लेटर क्या होता है बाबू? आपको पता है ई जे ओ टी, टी मतलब 20, TUV। दो ऐड कर दो 20 में, देखिएगा मिस्टेक्स होगा तो बताइएगा भाई, ठीक है? कमेंट करिएगा, नो डाउट, बेहिचक।
आइए ये क्वेश्चन देखिए बाबू। दिख रहा है सब सब क्वेश्चन? हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, यू हिम्मत हार के ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। मत छोड़ना सफल होने के बाद उनका साथ जिन्होंने तुम्हारा साथ संघर्ष में दिया हो। कितना आया भाई, क्या आंसर आया? इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर विल बी द सेवन टू द राइट ऑफ द 18 लेटर फ्रॉम द राइट? राइट राइट बताइए, राइट राइट। गलती में नहीं करना है, गलती बिल्कुल नहीं करना है, जो गलतियां हो गई वो हो गई, अब नहीं करना है। ठीक, तो बताओ बाबू क्या है, ये कहाँ से है? सेवन, राइट से। तो राइट से आपने लिख दिया सेवन, सर आपने राइट से लिख दिया सेवन। अब ये बताइए ये कहाँ से है? राइट से ही है, आपने इसको भी राइट से लिख दिया 18। तो यहां पर जो आएगा आंसर राइट से ही क्या आएगा? राइट राइट क्या होता है, जो दो इक्वल सेम रहते हैं, जब इक्वल साइन वाले रहते हैं, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, तो माइनस किया जाता है, तो 11 आएगा कि नहीं आएगा? राइट से 11, राइट से 11 आप लोग लिख दोगे, ई जे ओ के बाद पी लिख दोगे, पी भी ऑप्शन में है लेकिन गलत हो जाएगा भाई, राइट से बोला है, सॉरी राइट से बोला है, तो राइट से ई जे ओ तो ये नहीं होगा, ई जे के बाद ये नहीं होगा, राइट से बोल रहा है, तो बाबू राइट से हम लोग क्या लेते हैं? इधर से, और आपने आपको बताया गया है, तो राइट से तो याद कर नहीं सकते हो, राइट से तो याद नहीं कर सकते हो, तो राइट से वही लेटर अगर वहां होगा जो लेफ्ट से क्या होगा भाई? लेफ्ट से 16वां होगा, क्या होगा? लेफ्ट से 16वां होगा, वो अलग ही बात है, मैं आंसर बता दिया, लेफ्ट से 16वां होगा, ये याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पर 12 आ जाता बाबू राइट से, तो राइट से 12वां वही होता जो लेफ्ट से कितना होता? 15वां होता। आया समझ की? दोनों का सम 27 आना चाहिए, 27 आना चाहिए। हाँ भाई, तो आप बताओ लेफ्ट से 16वां अक्षर क्या होता है? आप जानते हैं ई जे ओ मतलब 15, ओ के बाद पी, आंसर आपका ये हो जाएगा भाई। अब राइट से अगर आवा गिनोगे तो नहीं ना बैठ के भाई, आपको तो याद है लेफ्ट से, आपको तो याद है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 11वां वही होगा जो राइट लेफ्ट सॉरी राइट से 11वां वही होगा जो लेफ्ट से 16वां होगा। आया समझ में कि ना आया? हाँ ठीक, चलिए तो और फिर देखते हैं एक प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन। इसको भी करिए बाबू, अभी टोटल कॉन्सेप्ट चलेगा, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, केवल लेफ्ट राइट से नहीं काम चलेगा, रिवर्स भी होगा, घबराओ मत। हाँ बताइए भाई। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है लेफ्ट से, लेफ्ट टू द 15, लेफ्ट टू द 12, लेफ्ट टू द इस तरह, लेफ्ट उसी में क्वेश्चन में रहेगा, लेफ्ट टू द 13, टू राइट 15, टू राइट 17, लेटर कौन सा होगा? इस तरह से क्वेश्चन में पूछ देगा, इस तरह पूछ देगा, तो क्या करोगे? अपोजिट से सॉल्व करना, राइट राइट माइनस भाई 15 17 2 मिला, राइट से मिला, लेफ्ट राइट प्लस, तो लास्ट वाला जो रहेगा वो लेना है, लेफ्ट राइट प्लस, तो प्लस कर देंगे 15, 15 कहाँ से मिलेगा? लेफ्ट से, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, तो लेफ्ट से क्या मिलेगा? 3, फिर लेफ्ट लेफ्ट माइनस, तो लेफ्ट से कितना मिल जाएगा? 3 15 माइनस कर दोगे कितना मिलेगा? 12। लेफ्ट से 12वां अक्षर क्या होगा? ई जे ओ टी, याद ही है आपको? आया समझ में कि ना आया?
तो ये सब क्वेश्चन है आएंगे, टेंशन लेने का नहीं, देने का सब बाबू सुना वाला क्वेश्चन है। कितना भी लाइन ऐड कर दे कोई दिक्कत नहीं, कितना भी लाइन ऐड कर दे कोई दिक्कत नहीं, बस पहचान में आना चाहिए कि वो कौन सा लेटर है। ठीक, आंसर इसका कितना है बाबू? आपने बताया सर कि ये टेंथ जो है, ये टेंथ लेटर जो लेफ्ट से है, तो आपने लेफ्ट से 10 लिख दिया, और आप ये जानते हो एर्थ ये राइट से है, तो जो आंसर आएगा वो लास्ट वाला राइट वाला आता है। लेफ्ट राइट ऐड कर दोगे 18, राइट से 18वां अक्षर कौन होगा? गिनोगे बैठ करके अब इधर से? नहीं, राइट से 18वां वही होता है बाबू जो लेफ्ट से क्या होता है, लेफ्ट से क्या होता है, इसमें क्या ऐड कर दोगे 27 आ जाए। आपने बताया कि सर 9, क्या आया 9 आया स्वामी कि नहीं है? तो 9 पर अक्षर पर क्या होता है? आई होता है। आया स्वामी कि नहीं आया बाबू? ये आया स्वामी कि नहीं आया? राइट से वही अक्षर होगा 18वां जो लेफ्ट से 9वां होगा, सेम लेटर होता है। कहाँ है भाई गुस्सा हो काम से? जो गुस्सा है वो तो ये है, तुम भी गुस्सा हो। चलिए उम्मीद है आंसर ला दिए होगे आप लोग, दिख रहा है सपना? हाँ, नहीं दिख रहा तो बता दीजिएगा आपको। ठीक, बताइए क्या है भाई? थर्ड टू द लेफ्ट आपने बताया सर, आंसर क्या है? अच्छा हाँ, आपने बताया ये थर्ड टू द क्या है? लेफ्ट है, तो लेफ्ट से आपने थर्ड लिख दिया, और ये जो लेटर है कहां से? लेफ्ट से है 9। तो जो आंसर में आएगा बाबू वो लेफ्ट से ही आएगा, लेफ्ट लेफ्ट आपने सर बताया है माइनस होता है, तो लेफ्ट से 6, लेफ्ट से 6 क्या होता है? ई एफ, एफ है क्या ऑप्शन में? यस, ये आंसर भाई, बोलिए। हाँ भाई, रिवर्स का भी केस देखेंगे, इसमें रिवर्स का भी केस देखेंगे, टेंशन मत लीजिए, रिवर्स का भी केस वही होता है, इजी होता है। अभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया आएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक 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 है, कितना आ गया बाबू? ओरली बता दो ना, इस तरह से ओरली बता देते हैं। ये क्या है? राइट से लेफ्ट से, राइट लेफ्ट क्या हो जाता है? प्लस 14, लेफ्ट से 14 अक्षर क्या होता है? एन, सही है। आया समझ कि ना आया? ठीक है भाई, जिसको नहीं आया देख लेते हैं। ये जो लेटर दिया है टेंथ लेटर कहाँ से दिया है बाबू? राइट से, सॉरी राइट से। ये जो लेटर दिया है टेंथ लेटर जो होता है बाबू ये राइट से दिया है, और जो ये लेटर दिया है 4 वो लेफ्ट से दिया है। तो हमने बताया जो आंसर आता है वो लास्ट वाला आता है, लेफ्ट से 4। कितना प्लस माइनस? ये प्लस अपोजिट रहता है तो प्लस हो जाता है, तो 14, और लेफ्ट से 14 क्या होता है भाई? 14 होता है कि नहीं होता है?
आया स्वयं कि ना आया? हाँ, रिवर्स भी देता है इसी में। अगर क्वेश्चन बोल देगा कि अगर टोटल अल्फाबेट को रिवर्स कर दिया जाए, अगर टोटल अल्फाबेट को रिवर्स कर दिया जाए, ये क्वेश्चन मैं लगवा दूंगा उस टाइम के, मैं क्वेश्चन लगवा दूंगा, अगर टोटल अल्फाबेट को रिवर्स कर दिया जाए तो लेटर जो होगा वो कौन सा लेटर आएगा, 15, 16, 17 कौन सा लेटर आएगा, इसी पर रिवर्स कर दूंगा। जैसे यही क्वेश्चन रहेगा, इन द इंग्लिश अल्फाबेट ईस्ट, यहाँ पर विच काट करके, विच काट करके, इफ ये टोटल, इफ रिवर्स कर दे, टोटल रिवर्स कर दे, इफ टोटल रिवर्स लेटर विल बी, अगर टोटल रिवर्स करने का मतलब क्या, जेड को ए लिख देगा, जेड को ए के स्थान पर लिखेगा, वाई को बी के स्थान पर लिखेगा, एकदम ए जेड को एक दो तीन इस तरह करते हुए लिख देगा, वो रिवर्स होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेंगे, इसी में कर लेंगे, टेंशन नहीं लेने का। एक और क्वेश्चन कर, इसका आंसर आ गया होगा प्यारे बच्चों, इसको देखते हैं। आइए, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी दोस्त, संघर्षों से मत हारना, उम्मीद मत छोड़ना, जाने कितनों की उम्मीद हो तुम। बताइए बाबू, ये इस क्लासेस जो आपका ये है, ये कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर आपको अप्लाइड मैथ मैथ का भी वो क्लासेस अवेलेबल है, आप चाहो तो विजिट कर सकते हो अप्लाइड मैथ के लिए, अप्लाइड मैथ का क्लासेस भी अवेलेबल है। वो क्लास में ही लेता हूँ, चलिए ठीक है। क्या आया बाबू वहाँ पर, ये जो लेटर आपने लिखा है सर, नाइन टू द क्या, राइट, तो आपने लिख दिया राइट से नाइन, और आपने इसको क्या लिख दिया, 70 फ्रॉम द राइट, ये भी राइट से ही है भाई, तो जो आंसर आएगा वो राइट में ही आंसर आएगा। ये कितना होता है, 26, राइट से 26वां लेटर क्या होगा भाई, सॉरी माइनस हो जाएगा ना बाबू, राइट राइट क्या होता है, माइनस, तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 9, 8, क्योंकि सेम रहता है तो माइनस होता है ना, 8, तो राइट से जो आठवां लेटर होगा कौन सा लेटर होगा, वही होगा जो लेफ्ट से, कौन सा लेटर हो जाएगा बाबू, लेफ्ट से 19, आप 19 से लेफ्ट लेटर जानते हो क्या, एस, लिखान तो सकते थे राइट से भी, लेकिन राइट से याद नहीं होता है ना जल्दी, तो राइट से याद नहीं होता है जल्दी, तो आप ठीक है सीधा उसको लेफ्ट में लेके चले जाओ, यानी लेफ्ट से राइट से आठवां लेटर वही होता है जो लेफ्ट से 19वां अक्षर होता है, इन दोनों का सम 27 आ जाए, आ जाना चाहिए। चीजें समझ में आ रही बाबू, चीजें समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है तो किया जाए। बताइए आंसर, बताइए देखिए, आपने आंसर दलील, आप तो मुझे जवानी बता दोगे बाबू इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर को, 6 आएगा, 6 कहाँ से आता है, 6 कहाँ से लिया, वॉल विल बी द लिफ्ट, लेफ्ट से जो दिया है 6 दिया है, और ये जो दिया है वो राइट से 19, तो ये जो आंसर आएगा लास्ट वाला राइट वाला आएगा, राइट से लेफ्ट, राइट क्या, 9, 6, 15, 25, राइट से 25 वही होगा जो लेफ्ट से क्या होगा,
दो होगा, तो लेफ्ट से दो क्या होता है? बी ऑप्शन, गिन लेना, देखना बी आ रहा है कि नहीं, 25। ठीक है, ये ठीक है, जिंदगी से नहीं बिताएंगे। ठीक है, देखो इधर पढ़ लो बाबा। कोई यहाँ जिंदगी साथ नहीं बिताने वाला है बबुआ, जो माई बाबू खोज के लाएंगे वही जिंदगी बिताएगा, नहीं तो यहाँ लोग ऑप्शन के तौर पर यूज करते हैं। इसीलिए पढ़ाई करो कायदे से, बेहतर के तलाश में लोग रहते हैं। तुमको लगता है, अगर आपको लगता है कि मैं वो हूँ उसके लिए, तो आप देख लेना उसके मोबाइल में तुम्हारा नाम लड़की के नाम से सेव होता है। तो इसीलिए मेहनत करो, पढ़ाई करो। आ जाने तुम्हारे जैसे कितने लड़कों का नाम लड़की के नाम से सेफ होता है, लड़कियों का भी, लड़कियों को मैं बोलूंगा, लड़के भी परफेक्ट नहीं होते हैं बाबू। गेम से दुनिया भरी हुई है, सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चले, आंसर क्या आया बाबू इसका बताइए। आपने बताया ये जो 6 लेटर है बाबू, और लेफ्ट से 6 है, और ये लेफ्ट से क्या है, 15 है। आपने बताया सर लेफ्ट, लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है, आंसर जो आएगा लेफ्ट में ही आएगा, इसको माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। 9 लेटर लेफ्ट से क्या होता है, जे आई, आई होता है ना, देख लीजिएगा। ठीक है, आई के बाद जे आएगा ना, आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है चलिए, चले जी, सही है जी, चलिए करिए जी जी, अच्छी अच्छी करिए जी, जी करिए। इसके बाद हमको लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तो दूसरा टाइप आ जाएगा, दूसरा टाइप आ जाएगा ना, नहीं एक क्वेश्चन और है शायद इसके, हाँ इसके बाद शायद आ जाए। चलिए सुंदर सा आंसर आ गया होगा, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया है बाबू? 8 जो है आपका राइट से है, और ये लेफ्ट से है, 12, 12 8 20, लेफ्ट से 20, वो अक्षर क्या होता है, टी, आंसर टी, बता दिया जाए, आंसर बता दो यार आप। ये जो दिया है 8वां लेटर कहाँ से दिया है, राइट से दिया है, तो राइट से लिख दो 8, लेफ्ट से दिया है 12, तो लेफ्ट से आंसर आएगा 20, लेफ्ट से 20 टी, अरेंज करने के लिए आ गया। हाँ लास्ट क्वेश्चन था उस वो, ये देखिए बाबू इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज ये अरेंज करने का सीरीज आता है, तो इसको बनाने से पहले पहले उसी में सीख लेते हैं रिवर्स क्या होता है, रिवर्स से क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक, देखिए इसी में आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से ही कर लेते हैं बाबू इसका, जिसे ये था, ये है जैसे ये हमने क्वेश्चन लगवाया था, तो वो तो मान लो जी ये क्वेश्चन हो गया, इसको हटा देते हैं, टोटल इरेज कर लेते हैं। जैसे टोटल इरेज कर लेते हैं, हटा लेते हैं, सॉल्व हो गया है वो क्वेश्चन। ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा, और ये क्वेश्चन, ये आंसर हटा देते, ये आंसर भी नहीं होगा। अगर क्वेश्चन ये आ गया बाबू और बोल दिया कि इफ द अल्फाबेट क्या हो, ये इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर विल बी द 8, ये फ्रॉम 8 आई, ये राइट से ये दिया, और लेक क्वेश्चन में ये लेफ्ट तो दे दिया, और क्वेश्चन में ये दे दिया कि जो लेटर है बाबू वो रिवर्स कर दिया गया है, विच लेटर, अगर टोटल लेटर को क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है,
रिवर्स, रिवर्स का मतलब क्या, उल्टा लिखा गया हो। अगर कोई भी अल्फाबेट का क्वेश्चन इस तरह है और कह दिया कि इफ अल्फाबेट को क्या कर दे, रिवर्स लिखा जाए, तो रिवर्स लिखने के बाद राइट लेफ्ट से आठवां का लेफ्ट से दसवां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट से दसवां अल्फाबेट कौन सा होगा, क्या किया गया, लेटर को रिवर्स किया गया है, यानी जेड वाई एक्स इस तरह, यानी एक दो तीन इस तरह कर दिया गया, तो पूछ रहा है तो बताओ उसका क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ नहीं, जो किया है वही करोगे, जो अभी करते हुए आए हो वही करोगे। कहाँ है भैया दुश्मनी एकाम से, मान जाओ, अच्छा चलो ठीक है भाई आ जाओ, जैसे कहोगे वैसा ही हम करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक। तो बताओ रिवर्स अगर कर दिया जाए, ये क्वेश्चन देखो वो फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको रिवर्स करके, अब इसमें क्वेश्चन है नहीं रिवर्स का, तो हमने सेम क्वेश्चन है, बस इस लेटर को क्या करें, लेटर तो वहीं फाइंड करना है, लेकिन टोटल अल्फाबेट को क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है, टोटल अल्फाबेट को क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। तो टोटल अल्फाबेट को जब रिवर्स कर दिया गया है तब उसका आंसर क्या निकालोगे, आज समझ लेते हैं, रिवर्स कर दिया गया है टोटल। तो बाबू कुछ नहीं, जो कर रहे हो वही करोगे, जैसे तुम करते हुए आए हो वैसे ही करोगे, जैसे आप करते हुए आए हो वैसे ही करोगे। जैसे ये आठ लेटर क्या लिखे थे, लेफ्ट से, लेफ्ट से आठवां, और ये टेंथ क्या है, लेफ्ट से, लेफ्ट से दस, लेफ्ट से दस, सॉरी लेफ्ट से दस, तो लेफ्ट से दस क्या होगा बाबू, लेफ्ट से दसवा क्या होगा, कहां है भैया हैंग कर रहे हो, लेफ्ट से दसवा क्या होगा, अब जो आंसर यहां आएगा, जो आंसर आएगा वो लास्ट वाला, जो देखो रिवर्स रहा था, लेटर रिवर्स रहा है, तो जो लास्ट लेफ्ट, लेफ्ट अगर पूछ रहा है तो लेफ्ट लिखा देंगे ही लिखानेंगे, लेकिन लेफ्ट के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, राइट, ये लेफ्ट लेफ्ट लिखानेंगे, लेफ्ट से क्या आएगा, ये लेफ्ट से आएगा दूसरा, लेकिन दूसरा लेटर नहीं लिखेंगे, लेफ्ट से दूसरा आएगा, लेकिन बिकॉज ये क्या है, रिवर्स है, क्योंकि ये रिवर्स है, तो इधर से जेड को इधर लिखा गया, बी को इधर लिखा गया है, तो लेफ्ट से दूसरा अक्षर क्या होगा, वही होगा, लेफ्ट से अक्षर दूसरा क्या होगा बाबू, लेफ्ट से वही होगा, जब इसको रिवर्स करके लिखोगे तो रिवर्स क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट के जगह हम लोग क्या देख लेंगे, राइट, लेफ्ट के जगह क्या लिख देंगे, राइट, लेफ्ट के आंसर में राइट लिख देंगे, राइट से दूसरा लिखानेंगे अब, तो राइट से दूसरा अक्षर क्या होता है भाई, राइट से दूसरा क्या होता है, आया समझ में कि नहीं आया, राइट से आपने दूसरा बोल दिया कि सर ए ए जेड वाई, इसमें आंसर में नहीं मिलेगा आपको, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये नहीं वाई हो जाएगा आंसर, आया समझ में कि नहीं आया, ये लेफ्ट आंसर आएगा तो आंसर लेफ्ट की जगह पर राइट लिख देंगे, ये दूसरा ही लिखेंगे लेकिन राइट लिख देंगे, आया समझ में कि ना आया, आया रिवर्स, अगर टोटल रिवर्स कर देगा तो यहाँ तो लेफ्ट आएगा लेकिन लेफ्ट की जगह पर राइट लिखेंगे, इसको भी उल्टा लिख देंगे, इसको भी उल्टा लिख देंगे, जैसे सेकेंड एक और क्वेश्चन इसमें, जैसे ये है, करिए इसका भी, करिए, ये भी क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, लेटर को टोटल रिवर्स करके लिख दिया है, तो लेटर लेफ्ट लेटर फाइंड करो क्या होगा, लेफ्ट लेफ्ट और फाइंड करिए क्या होगा, तो सेम जो कर रहे थे वही करोगे, सेवन लिख दोगे, सेवन कहाँ से, राइट से, और ये लेफ्ट से पंद्रह, लेफ्ट से पंद्रह, जो आंसर आएगा वो लेफ्ट में आएगा, इसका क्या आ जाएगा, लेफ्ट राइट बाईस, लेफ्ट राइट बाईस आएंगे, लेकिन लेफ्ट नहीं लिखेंगे, बाईस को क्या कर रहे हैं, क्योंकि रिवर्स है तो लेफ्ट की जगह पर राइट लिख देंगे, राइट से बाईसवा अक्षर क्या होता है, राइट से बाईसवा अक्षर क्या होता है, राइट से बाईसवा अक्षर वही होता है जो लेफ्ट से कौन सा होता है, लेफ्ट से जो होगा पांचवा अक्षर, यानी ई आंसर, आया समझ में कि ना आया, इस पे मत जाना, ये तो पहले वाला क्वेश्चन का आंसर लगवा जा रहा है, रिवर्स नहीं है तब का है, ठीक, आया समझ में, अच्छा इस क्वेश्चन को लिया जा रहा है तो इसमें से वो हटाया जा रहा है, हट जा रहा है, न्यू वाला सोल्यूशन आ जा रहा है बाबू, आपका सेट्स में न्यू वाला सोल्यूशन आ जा रहा है, तो इसमें नहीं ले तो बेहतर है, ठीक है, अलग से क्वेश्चन ऐड कर दिया जाएगा, जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था,
इसका आपने हटा कर कर दे रिवर्स का, तो इसमें यही आ गया डाटा में। अब बच्चे खोजेंगे तो इसका आंसर तो गलत हो जाएगा, इसका आंसर गलत हो जाएगा, तो मैं सही बता देता हूँ इसका। ठीक है, इसके हिसाब से जो रहेगा रिवर्स करने के बाद जो रहेगा वो होता है, ठीक। और इसका डायरेक्ट जो आंसर होता है इस तरह से, मैं टोटल जो जो हटाया हूँ उसको करवा देता हूँ। जो ये होता है आठवां क्या होता है लेफ्ट से, और ये जो होता है बाबू दसवां क्या है लेफ्ट से, तो दसवां लेफ्ट लेफ्ट दूसरा आ गया, माइनस कर दोगे लेफ्ट से दूसरा अक्षर क्या होता है बी, और इसमें क्या हटवाया था हमने, ये हटवा दिया था, रिवर्स का कंसेप्ट में समझा रहा था तब हटा दिया था, ठीक। अभी फर्स्ट हाफ होता है सेकेंड हाफ होता है, सब क्वेश्चन रहेंगे इसमें, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ रहे तो क्वेश्चन कैसे कैसे करते हैं, ठीक। जब से ये क्वेश्चन था उसका क्या आंसर लगवाया था बाबू हमने, सेवन क्या है, सेवन राइट्स है, ये पीडीएफ पर सही जाए इसलिए इसको सही से करवा दे रहा हूँ। वो जो पीछे मैंने समझाया था वो क्या है, इस लेटर को रिवर्स करके मैंने समझा दिया था, ठीक, क्योंकि इसमें क्वेश्चन था नहीं तो वहीं पर बस यहाँ पर रिवर्स लिख दिया था, तो उसके लिए आप लोग समझ जाइएगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन को लगवा देता हूँ, राइट से क्या है, राइट से है, यह 15 क्या है, लेफ्ट से है, राइट से कितना था 7 और लेफ्ट से कितना था 15, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, ये लास्ट वाला राइट लेफ्ट वाला लिखेंगे 7 5 12 22, लेफ्ट और 22 वाला लेटर लेफ्ट से कौन सा होता है, वी होता है, इसका भी आंसर नहीं लगा था। और कोई हटाया था क्वेश्चन हमने, अब तो सही था, हाँ अब सही था, इतना था क्वेश्चन, ठीक है बाबू। ये चीजें थी आपको, वो रिवर्स करके मैंने समझा दिया था, ठीक। देख लेते हैं एक बार, और कुछ छूटा हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, करिए। ये तो अरेंज करने का है, आप लोग कर ही लोगे, चलिए। डिक्शनरी में जो शब्द आते हैं कैसे आप अल्फाबेट के हिसाब से सजाओगे, फर्स्ट पर कौन आएगा, सेकंड पर कौन आएगा, थर्ड पर कौन आएगा, यानी जैसे डी डी के बाद देखोगे आई होता है, आई होता है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, इसके बाद एक लेटर और पढ़ोगे ये होता है एल, तो देखोगे यहाँ भी एल दिया है, यहाँ भी एल दिया है, यहाँ भी एल, बारीकी एकदम देता है, बारीकी चीजें, तो आप एक बाद डबल एल, डबल एल भी दिया है, डबल एल भी दिया है, उसमें भी डबल एल दिया है, इसमें भी डबल एल दिया है, इसके बाद यहाँ पे मिलेगा ई होता है पहले, कि पहले वाई होता है, कि पहले ये होता है, तो हमें लगता है क्या, आप लोग करो सजाओ इसको आंसर से, करिए। क्या आएगा बाबू पहले, पहले आपका चार तो हर जगह आएगा, चार वाला ऑप्शन तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, यहां भी है। अब चार के बाद क्या आएगा, चार के बाद आपको क्या आ सकता है, चौथा तो आएगा ही आएगा, चौथा के बाद ई है, ई तो है ही, ई के बाद वाई, ई तो ये तो आगा ही पहले आएगा, इसको हटा दो, इसके बाद सेकेंड पर क्या आएगा, ये वाई होता है, वाई यहां भी है, वाई यहां भी है, वाई यहां भी है, फिर वाई के बाद, y के बाद क्या होगा, y के बाद क्या आ रहा है, d आ रहा है, a आ रहा है, यहाँ पर d आ रहा है, यहाँ भी d आ रहा है, यहाँ भी d आ रहा है, ठीक है, कॉमन हो गया, फिर a, a यहाँ भी आ रहा है, a यहाँ भी आ रहा है, a यहाँ भी, a यहाँ भी आ रहा है, लास्ट टू l l है, ये है y, है ये है, तो आपका ये तो आएगा नहीं, y के बाद पहले y नहीं आता है, पहले आपका आता है i, तो ये हो जाएगा दूसरा, अब ये आ गया दूसरा, इसके बाद यही आंसर लगा देंगे लास्ट में, भाई जी ये बड़ा अच्छा है, लास्ट में जी तो लास्ट में ही जाएगा ना, बस ये देखना कि नोटिस करिएगा आप लोग कि बस इसको ये छाटना रहता है, गलती छाटना रहता है, कौन कौन साथ में आएगा, और ऑप्शन से ही सब लगाया जाता है, ये चीजें ऑप्शन से ही लगाए जाते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन इसमें होगा, देखिए ये भी अरेंज करने का ही है, ये भी अरेंज करने का, ये चीजें आप लोग बहुत बेहतर तरीके से लगाओगे, फास्ट लगाओगे, इंग्लिश मीडियम वाले सभी मीडियम वाले बच्चे लगा लेंगे, चलिए
13 बताइए आंसर। हाँ पहले कौन सा अच्छा रहेगा भाई? डी 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 हर जगह है, तो पहला ऑप्शन में जो है वो तो सही रहेगा ही रहेगा, तो पहला ऑप्शन में पहला रहेगा, तो पहला तीसरा वाला काट दो, डी तो हर जगह, तीसरा वाला काट दो, फिर क्या आएगा? डी के बाद देखो कॉमन क्या दिख रहा है, ओ आता है कि ई आता है कि ओ आता है, ई है ओ है ओ है, ठीक है, तो डी के बाद पहले क्या आता है भाई? ठीक, पहला, फिर हाँ ई, ठीक है, तो ई ई कहाँ पर है? ई है यहाँ पे, ये है थर्ड, ई ओ ई सी, ये पे एस आ गया, यहाँ पर सी सबसे कम होगा, यहाँ पर एस आएगा कम हो जाएगा, यहाँ यहीं से ये होगा नहीं, यानी ये वाला सही है, तो फर्स्ट के बाद थर्ड ये आंसर सही है, क्योंकि सी आएगा यहाँ पर ना भाई पहले, तब ना ऐसा आएगा, तब ना ऐसा आएगा, आया स्वामी कि ना आया? एक दो खाली देखते हैं कि कौन होगा, इसके बाद मार देते हैं, वही आंसर हो जाता है। 14 देख लेते हैं, ये इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है बाबू? हाँ ये भी ऑरेंज का है, ये बहुत सा बहुत ज्यादा ऑरेंज का है, अभी क्वेश्चन और लिया जाएगा, जब आप लोग का पिक पर रहेगा तैयारी तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराया जाएगा, ये तो मान लो पीडीएफ के हिसाब से कर रहे हैं, खुद मैं क्वेश्चन बनाऊंगा इसके बाद शेयर करूंगा आप लोग के साथ। चलिए जो क्वेश्चन पूछा रहता है वही सब क्वेश्चन बनाया जाएगा। बताए आंसर बता, क्या आंसर आ रहा है बाबू? ठीक है, अरे आप लोग बेहतर तरीके से कर लोगे, आप लोग बहुत आसानी तरीके से कर लोगे, ठीक है। क्या आया था पहले, कौन सा आएगा लेटर बताइए? एफ है हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह, तो पहला तो आएगा ही नहीं, फर्स्ट तो आएगा ही नहीं भाई, एफ 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 हर जगह है, तो पहला तो ऑप्शन में खत्म, ये कहानी खत्म। अब इसके बाद क्या आएगा? एक 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 एल 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 हर जगह है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके बाद थर्ड में क्या होगा? थर्ड में यू यू एन एन एन, आंसर सही, ये आंसर आ गया था। चलिए बाबू आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है, थोड़ा सा तबीयत डाउन के कारण थोड़ा सा ये है, और फिर भी ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ा जाएगा, लगा जाएगा, अब लगा है आदमी तो करेगा ही, और जब तक तोड़ना नहीं तब तक छोड़ना नहीं, लगे रहो, मेहनत करो अच्छे से, ईमानदारी से, होगा ही होगा, सिलेक्शन क्या ही नहीं होगा यार, यूनिवर्सिटी कौन सी बड़ी बात है, बड़े बड़े एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेते हैं अगर डेडिकेशन के साथ किया जाए तो। और HEW ये क्वेश्चन को लिख लो और कर लेना, ये वाला, ये भी शायद अरेंज, हाँ लेटर अरेंज का ही है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी, बहुत सारे इसमें हमको लगता है कि 50-60 क्वेश्चन इसमें हैं, सभी क्वेश्चन आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, अवेलेबल ऐप पर है, इस क्वेश्चन को कर लेना आप लोग, ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।